आपने जो कुछ खाया है वो आपके शरीर में, मैंने कल बोला था, मांस बच्चा रक्त वीर मल मूत्र के रूप में जाएगा। मल मूत्र शरीर के काम का नहीं है, वो बाहर आएगा। मांस मज्जा रक्त वीर जो है वो शरीर के काम का है, वो शरीर में रहेगा। और इसके साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व रहेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेंगे। अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनके अलग अलग तरह से नाम आपने सुने हैं, कभी आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट्स, कभी आपने सुना होगा प्रोटीन्स, कभी आपने सुना होगा फैट्स, कभी आपने सुना होगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि आदि। ये जो नाम आपने सुने हैं, इन्हीं नामों में से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आप हमेशा याद रखिए। आपने जो कुछ भी खाया है, इस खाद्य तत्व में सबसे तेजी के साथ जो शरीर के काम आता है वो शक्कर तत्व है, ग्लूकोज कहिए उसको, फ्रक्टोज कहिए, सुक्रोज कहिए, कुछ भी कहिए, शक्कर कहिए ना, सीधे सीधे आपको याद रहे। शक्कर ये वाली नहीं जो बाजार में मिलती है, वो तो चीनी है, शुगर है। शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन में से शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है, वो शक्कर। तो ये शक्कर सबसे पहले निकलती है और शरीर के लिए सबसे ज्यादा तेजी से उपयोग में आती है, सबसे जल्दी उपयोग में आती है। तो इसलिए आयुर्वेद ने ऐसा एक सूत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाली जो शक्कर है भोजन में से, ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई चीज भोजन में मत पिलाइए। अब ये बात उन्होंने 3500 साल पहले कही है। आप देखिए कैसे महान लोग हुए हमारे देश में। 3500 साल पहले भागवत ऋषि ये कह रहे हैं कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है, शक्कर, ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए, ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाइए। अब मैंने आज के हिसाब से उसको ढूंढना शुरू किया, आज की विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान के हिसाब से मैंने ढूंढना शुरू किया कि हमारे भोजन में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन के अंदर जो नेचुरल शुगर है, प्राकृतिक शक्कर है, उसको निकालने में या उसको शरीर के उपयोग आने में रुकावट बनती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं आज के भोजन में। तो हमने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है हमारे भारत देश में, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके यहाँ कई साइंटिस्ट लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताइए कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे भोजन के प्राकृतिक शक्कर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती है। तो सभी वैज्ञानिकों ने एक स्वर से जो वस्तु का नाम लिया है, उस वस्तु से आप जितनी घृणा करें उतना अच्छा, और उस वस्तु का नाम है चीनी, शुगर, खांड। ये जो बाजार में मिलती है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है। आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां बैठे होंगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि ये शुगर जो है ना बाजार में मिलने वाली, गन्ने के ऊस के रस से बनने वाली, ये पॉलीसैकेराइड्स है। और हम जो भोजन में से ले रहे हैं वो सब मोनोसैकेराइड्स हैं। अब ये जो शुगर है, ये भोजन के मोनोसैकेराइड को सबसे ज्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने, और भोजन के अंदर की जो मोनोसैकेराइड्स है वो इस पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए लगातार झगड़ा करती है। और इस झगड़े में सबसे ज्यादा वेस्ट होता है हमारे शरीर का जो द्रव, उसका नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैनक्रियास। तो मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे, शक्कर घर में लाएंगे, शुगर लेके आएंगे, तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में से मिलने वाली नेचुरल शुगर है उसको रोकेगी, और इसको बार बार पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसमें सबसे ज्यादा इंसुलिन वेस्ट होगा। इंसुलिन को ज्यादा उत्पन्न करने के लिए पैनक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियास अगर ज्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डायबिटीज होगा, और जिनको डायबिटीज होगा उनको हार्ट अटैक भी होगा, जिनको डायबिटीज होगी उनको नपुंसकता भी आएगी, जिनको डायबिटीज होगी उनकी आंखें भी चली जाएंगी, जिनको डायबिटीज होगी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिनको डायबिटीज होगी वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अपने ऊपर ही सबसे बड़ा बोझ है।
अब 3,500 साल पहले भारत के एक महान व्यक्ति बाघभट्ट ने ये कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाइए जो प्राकृतिक शक्कर को भोजन में अवशोषित करने में रास्ते में रुकावट बने। ये 3,500 साल बाद हम देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सिद्ध हो रहा है। तो आपके स्वयं पाक घर में किसी एक वस्तु से घृणा करनी हो आपको, तो वो यही है, चीनी। चीनी से घृणा करिए, शुगर से घृणा करिए, इतनी घृणा करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करते। माने मेरी अगर आपको विनती स्वीकार करनी हो तो अपने स्वयं पाक घर से इस चीनी को निकाल बाहर करें, मत लाइए। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं, गुड़ खाइए। तो आप कहेंगे गुड़ और चीनी में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चीनी बनती है 23 जहर मिलाने के बाद, 23 जहर मिलते हैं ऊस के रस में, तब चीनी बनती है। और वो चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहते हैं। और गुड़ अकेला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ऊस के रस को गर्म करते जाओ, गुड़ बन जाता है, कुछ मिलाना नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिलाते हैं तो दूध मिलाते हैं, और कुछ नहीं मिलाना पड़ता। और चीनी बने तो इतने तरह के फार्मेलिन, फार्मेल्डिहाइड जिसमें मिलाने पड़ते हैं, बहुत खराब। फार्मेलिन दुनिया का सबसे खराब जहर है जो चीनी बनाने में उपयोग होता ही है। बिना फार्मेलिन के चीनी बनती नहीं। और फार्मेलिन कितना खराब जहर है, केमिस्ट्री की डिक्शनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 0.05 मिलीग्राम मात्रा फार्मेलिन की किसी भी आदमी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप्त है। 0.5 मिलीग्राम। और अगर आपने 1 किलो चीनी खा ली तो 0.5 मिलीग्राम फार्मेलिन तो आने ही वाला है 1 किलो चीनी। इसलिए चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। आप कहेंगे भी गुड़ मिलता नहीं है, डिमांड करिए, मिलने लगेगा। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी, डिमांड करो तो सप्लाई आएगी। तो गुड़ खाइए। गुड़ से भी अच्छी एक चीज है जो आप खा सकते हैं, वो है काकवी। काकवी आपने देखी, काकवी गुड़ से भी अच्छी। गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन गुड़ से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वो है काकवी। काकवी को बाटली में भर के 1 साल 2 साल आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होती। और गुड़ जिस भाव का है लगभग उसी भाव में मिल जाती है। तो या तो काकवी खाइए, नहीं तो गुड़ खाइए। काकवी मिले तो आप समझ लीजिए राजा हैं, नहीं मिले तो गुड़ मिल रहा है तो राजा से छोटे राजा। बस नहीं, काकवी का मतलब क्या है? काकवी का मतलब ऊस के रस को जब हम गर्म करना शुरू करते हैं तो गर्म करने के करते 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 गुड़ बनने से पहले और ऊस का रस गर्म होने के बाद एक ऐसा लिक्विड बनता है, वो काकवी कहलाता है। हाँ, जहां भी गुड़ बनता है वहां काकवी मिलेगी, आप मान लीजिए। तो मेरी आपको एक छोटी सी विनती है कि अपने घर से ये चीनी निकाल दीजिए। चीनी ने सत्यानाश किया है पूरी दुनिया का, शुगर मिल वालों का भी किया। हाँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता हूं, शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज्यादा तकलीफ में है जब से चीनी खाना शुरू किया है। वो खुद कहते हैं राजीव भाई, करोड़ों रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ों रुपए लगते हैं ऊस के रस को शुगर बनाने में, तब उसको बेचने के लिए हम उत्पन्न क्यों बाजार में लाते। इससे अच्छा है बहुत सस्ते में गुड़ बनता है, बहुत सस्ते में काकवी बनती है, सीधे गुड़ बना के बेचे, काकवी बना के बेचे। और अब दुनिया के देशों में, भारत छोड़ दुनिया के सभी देशों में गुड़ की डिमांड है, काकवी की डिमांड है। आपको सुनकर आश्चर्य है, 40 गांव में गुड़ का क्या भाव? 10-12 रुपए। आपको मालूम है इसराइल में गुड़ का भाव 170 रुपए का। इसराइल एक छोटा सा देश है, गुड़ वहां बेचना चाहे तो 170 रुपए किलो बिकता है। जर्मनी में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 210 रुपए किलो है। कनाडा में भारत के रुपए के हिसाब से गुड़ का भाव 350 रुपए किलो। ये सभी देशों में गुड़ महंगा है, शक्कर सस्ती है, क्योंकि उनको मालूम है ये शक्कर जहर है और गुड़ अमृत है।
गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए, आप कुछ याद रख पाए या न रख पाए, शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शरीर को, और गुड़ खाया तो गुड़ की क्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है, शक्कर को पचाना पड़ता है, उसमें 6-7 तास लगते हैं, और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है, और मात्र 4 घंटे 40 मिनट। इसलिए भोजन के साथ गुड़ जरूर खाइए और शक्कर बिल्कुल मत खाइए, ये है सूत्र। और ये सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऐसी ऐसी खतरनाक 148 बीमारियां आपकी जिंदगी में झांकने भी नहीं आएंगी जो आप अपनी जिंदगी से ये शक्कर को निकाल रहे हैं। चीनी, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्कर जो हम लेते हैं फल में से या कोई दूसरी वस्तुओं में से, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है वो ये शुगर है।